दोस्तों, अगर आप रेडमी के फ़ोन्स को यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हीटिंग देखने को मिल रहा है तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूँ, जो प्रॉब्लम है हीटिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हीटिंग देखने को मिल रहा है रेडमी के फ़ोन्स में। दोस्तों, बात करें रेडमी नोट 7 प्रो की, रेडमी नोट 7 एस, रेडमी नोट 7, ये सब फ़ोन्स में अपडेट के बाद बहुत ही ज़्यादा हीटिंग देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, रेडमी के सारे फ़ोन्स में हीटिंग हो रहा है। मैं बता दूं कि सिर्फ आपके फ़ोन्स में हीटिंग नहीं हो रहा है, रेडमी के सभी फ़ोन्स में हीटिंग हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा, फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे आप आसानी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा है तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट में ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी ना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो मैं आप लोगों को टिप दूंगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके फ़ोन में हीटिंग नहीं होगा। दोस्तों, टिप नंबर 1 कि आप लोगों को रिसेंट क्लियर करना है। आप लोगों को जो भी रिसेंट में चलाया है उसको क्लियर करेंगे। आप लोगों को रिसेंट क्लियर करना है। क्यों करना है? आप लोग जैसे YouTube को चलाएं, चलाने के बाद आप लोगों को आना है और रिसेंट क्लियर करना है। दोस्तों, बहुत सारे बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते रहते हैं मगर हमको नहीं पता रहता कि वो चल रहा है, वो काम करता रहता है, वर्क करता रहता है, चलता रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ोन हीट होता है। तो ये भी है कि आप लोगों को रिसेंट क्लियर करना है। क्लियर रहेगा तो हीट बहुत ही कम होगा, हीट नहीं होगा। आप लोगों को रिसेंट क्लियर रखना है। बहुत सारा वेबसाइट रन करता रहता है, आप लोगों को रिसेंट को क्लियर रखना है। ये टिप नंबर 1 है। सेकेंड टिप ये है कि आप लोगों को चले जाना है क्लीनर एप्लीकेशन में। रेडमी के फ़ोन्स में मिल जाता है क्लीनर एप्लीकेशन। अगर आप कोई और फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत सारे आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाता है क्लीनर एप्लीकेशन, तो आप उसका यूज़ करके आप क्लीन कर सकते हैं। आप लोगों को चले जाना है क्लीनर में। रोज़ आप लोगों को एक बार क्लीनर में आना है और आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 461 MB, इसको क्लीन कर लेना है। क्लीनर में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितना MB आप लोगों को क्लियर करना है। तो क्लियर करेंगे तो ये सब कैचे होता है, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्लीनर में आकर क्लीन कीजिएगा रोज़ एक बार। रोज़ एक बार आप लोगों को क्लीन करना ही है, जिससे आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। थर्ड टिप ये है कि आप लोगों को चार्जिंग के समय फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। चार्ज में लगाकर बहुत लोग पबजी खेलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को चार्जिंग के समय फ़ोन को यूज़ भी नहीं करना है, आप यूज़ भी ना करें। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फ़ोन हीट नहीं होगा। बहुत लोग चार्जिंग के समय फ़ोन को यूज़ करते हैं जिससे हीट होता है फ़ोन, बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। आप लोगों को चार्जिंग के समय फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, ये थर्ड टिप है। फोर्थ टिप ये है कि आप लोगों को स्टोरेज खाली रखना है आपके फ़ोन का। 64 GB स्टोरेज है, इसमें से आप लोगों को 20 GB खाली रखना ही है। मैं यूज़ कर रहा हूँ रेडमी नोट 7 प्रो, जिसमें मैं अभी 28 GB खाली रखा हुआ हूँ। 64 GB स्टोरेज में से 28 GB खाली है। आप लोगों को भी 20 GB तक खाली रखना है। अगर आपका भर चुका है तो आप लोगों को क्लीन करना है। कुछ जो आप यूज़ नहीं करते हैं उसको आप क्लीन करें, एप्लीकेशन ज़्यादा ना रखें। जो आप फालतू का एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है उसको आप डिलीट कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को स्टोरेज खाली रखना है। फिफ्थ टिप ये है कि आप लोगों को फ़ोन को ओवर यूज़ नहीं करना है, फ़ोन का ओवर यूज़ नहीं करना है। आप लोग बोलेंगे कि फ़ोन खरीदे हैं यूज़ करने के लिए, तो मैं बता दूँ कि अगर आप जैसे कि 2 घंटे का आप एक फ़िल्म देख लिए, 2-2.5 घंटे का एक फ़िल्म देख लिए, फ़िल्म देखने के बाद आपका दोस्त बोला कि गेमिंग करते हैं, चलो पबजी खेलते हैं, तो आप पबजी प्ले करने लगे, तो आपका फ़ोन का ओवर यूज़ होगा। ओवर यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन हीट होगा ही, ये सेट है, कोई भी नहीं बचा पाएगा फ़ोन को हीट होने से। तो आप लोगों का फ़ोन हीट होगा ही, ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन हीट होगा। आप लोगों को ओवर यूज़ नहीं करना। आप लोगों का फ़ोन हीट होता है इसलिए क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो ओवर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। और सिक्स्थ टिप ये है, टिप नहीं, ये बोनस टिप कह सकते हैं, कि आप लोगों को चले जाना है डायलर में 4#64663, फिर *#*#। आप लोग ये नंबर को, ये कोड को नोट कर लीजिए। आप लोगों को अपने फ़ोन में यहाँ पे डायल करना है। ये सिर्फ रेडमी के फ़ोन्स के लिए है।
डायल करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये टेस्ट का होता है, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं FQC टेस्ट, यहाँ पर आपके फ़ोन को टेस्ट करता है। तो आप लोगों को स्लाइड करते हुए नीचे चले जाना है। 36 नंबर पे आप लोगों को शो होगा बैटरी कैपेसिटी, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी ID, बैटरी टेम्परेचर, बैटरी लेवल। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी लेवल 68%, जितना परसेंट आपका बैटरी चार्ज होगा उतना यहाँ पे शो होगा, बैटरी टेम्परेचर शो होगा और बैटरी ID शो होगा। आप लोगों को बैटरी टेम्परेचर को देखना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 डिग्री यहाँ पे बैटरी टेम्परेचर है। तो आप लोगों का फ़ोन 57 डिग्री से ज़्यादा जाता है, आपको यहाँ पे बैटरी टेम्परेचर 57 से ज़्यादा देखने को मिलता है या आपको 57 देखने को मिलता है तो आप फ़ोन को सर्विस सेंटर ले जाए। अगर आपका फ़ोन 57 डिग्री से ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा हीट होता है, तो आपका फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको फ़ोन 57 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिलता है तो आप ले जाए सर्विस सेंटर। मेरा यहाँ पे देख सकते हैं 36 डिग्री है। जो मैंने टिप्स बताया उसको आप फॉलो करेंगे तो फ़ोन हीट नहीं होगा। अगर आपका ज़्यादा हीट हो रहा है, 57 से ज़्यादा हो रहा है, तो आप सर्विस सेंटर ले जाए। दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गेमिंग को कम करें, गेमिंग ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, और गेमिंग अगर करते हैं तो आपका बैक कवर को हटाकर खेलें। बैक कवर लगा रहता है तो फ़ोन हीट होता है, प्लस वहीं पर रहता है हीट, वहाँ से निकल नहीं पाता है। अगर आप बैक कवर हटाए रखेंगे तो आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होगा, आपका हीट वहाँ से वहीं पर नहीं रहेगा, आपका हीट निकल पाएगा। तो आप बैक कवर हटाकर खेलें। दोस्तों यही सब टिप्स था, इसको आप फॉलो कर आप आसानी से हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सभी का फ़ोन हीट हो रहा है, सब रेडमी के फ़ोन, जितना भी रेडमी का फ़ोन है सभी में बहुत ज़्यादा हीटिंग देखने को मिल रहा है। ये जो हीटिंग प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाएगा जब कोई अपडेट आएगा, अपडेट में आने के बाद ये हीटिंग प्रॉब्लम सोल्व होगा। जो अपडेट आया था उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, और एक और कोई अपडेट आएगा उसके बाद हीटिंग कम हो सकता है, ये कोई बग होगा तो हीटिंग कम हो जाएगा। दोस्तों ये सब था टिप, जिसको आप फॉलो करके हीटिंग प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।